हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजीनियर एके शर्मा और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड की है मल्टी इन्फोटेक इंस्टीट्यूट ने, एजुकेशन फॉर ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जेके एसएसबी ने अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है इन पंचायत, तो उसका रिवाइज सिलेबस आया है। तो देखते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में और क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, और 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। जो आपके जेके एसएसबी का पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसका टोटल टाइम आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे और सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव के लिए आपसे 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स / स्टैटिक्स ये 10 मार्क्स का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स ये 10 मार्क्स की रहेगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये 30 मार्क्स का रहेगा। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ये 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस 10 मार्क्स और टोटल आपके 120 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ये आपका 30 मार्क्स का आएगा। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो है पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़। ये पर्सनैलिटीज़ जो होंगी रिलीजियस हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज से हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री हिस्टोरियंस हो सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है। आपको J&K नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसमें आपको इसका फॉर्मेशन पढ़ना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को बना था। आगे आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, इसको फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 32 तक हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब इसमें डिटेल में देखे जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी आपके सिलेबस में इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट आपको प्रिसाइसली बताया गया कि आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 73rd अमेंडमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि पंचायत राज से डील करता है, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये सब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके बारे में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा मल्टी इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के फैकल्टी द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। J&K में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ J&K स्टेट, प्लेसेस एंड देयर इम्पोर्टेंस। आपको हिस्ट्री पढ़नी है J&K की, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल मॉडर्न टाइम, महाराजा गुलाब सिंह से ऑनवर्ड्स ये मॉडर्न टाइम्स आपका ये आएगा। प्लेसेस, आपको प्लेसेस के बारे में भी जानना है कि क्यों प्लेसेस हैं और उन प्लेसेस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये भी पोर्शन कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, गुड हेल्थ है, ज़ीरो हंगर है, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में देखेंगे। पंचायत राज एक्ट 1989 का इसको भी है,
ये भी आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप पर्टिकुलरली अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत पढ़ रहे हैं तो इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड क्रॉप इन स्टेट एंड इंडिया, स्टेट से मेनली जम्मू कश्मीर के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, जो कि करंट इवेंट्स हुएंगे जैसे कि आर्टिकल 370 है, 35A है और अभी भी लेटेस्ट इवेंट्स जो चल रहे हैं हमारी स्टेट में, क्या स्कीम्स आ रही है, क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं हमारी स्टेट के लिए, और नेशनल इंटरनेशनल ये सब करंट अफेयर्स का भी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट करते हैं मैथमेटिक्स ओब्लिक स्टैटिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, डेमोग्राफी जिसमें आप पर्टिकुलरली पढ़ेंगे सेंसस, उसकी फीचर्स और फंक्शंस, वाइटल स्टैटिक्स, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये सब हमारे एक्सपर्ट्स जो टीचर हैं, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो इसकी क्लास लेंगे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इकोनॉमिक्स, ये 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड बजटिंग इंक्लूडिंग ऑन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग ऑफ पंचायत, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग स्कोप, इस सब के बारे में पढ़ना है आपको। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज, डिमांड एनालिसिस, जैसे कि अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगी, या डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये सब आपको डिमांड कर्व के बारे में, आपको उसके बारे में डिटेल में आपके जो टीचर्स कंसर्न टीचर हैं वो आपको डिमांड एनालिसिस के बारे में अच्छे से बताएंगे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स, डिमांड यूजिंग इन डिफरेंस कर्व टेक्निक, जैसे कि मैं अभी पहले बता रहा था, कर्व्स के थ्रू आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। प्राइजिंग यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, कंसेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जनरल इकोनॉमिक का ये पार्ट है, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये आपका 30 मार्क्स का है, तो इट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, आपको कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या है, MS DOS, MS Office, Excel, ये सब आपको बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में पढ़ना है आपको। आपको MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, ईमेल, आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और लेटेस्ट एंटीवायरस कौन सा आया है इसके बारे में बताएंगे, और टर्म्स एंड एब्रिविएशंस यूज्ड इन IT, इसके बारे में जो कंसर्न टीचर हैं वो आपको इसको बड़े अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, ये आपका 30 मार्क्स का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, वोचर जो बनाते हैं, वोचर सिस्टम यूज़ करते हैं, अगर जब आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो आपको ये पूरा पता रहेगा कि कैसे वोचर्स का क्या रोल है। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओब्लिक स्टेटमेंट्स, जो कि बैंक स्टेटमेंट निकलती है पूरी, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, कैश बुक, जब कैशियर्स होते हैं उनके पास एक कैश बुक रहती है जिसमें पूरा अकाउंट्स की पूरी डिटेल लिखी जाती है, क्या एक्सपेंडिचर रहा, क्या आपको बजट आया, ये पूरी डिटेल इसमें रहती है। फाइनेंशियल ऑडिट, ऑडिट होता है कि जितना आपको बजट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका जो इस्तेमाल है, जो उसका यूज़ है, वो कहाँ कहाँ किया, ये ऑडिट होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसके बारे में भी आपको देखना है। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग,
ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग और लास्ट में PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि अभी जैसे कि आप UT है हमारी J&K, तो इसमें अब इसका रोल ज़्यादा प्ले होगा PFMS का, तो ये सब भी आपने अच्छे से देखना है। लास्ट नेक्स्ट साइंस जो आएगी वो आपको 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपको बायोलॉजी में से मेन है आपका इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, क्या क्या इन्वेंशंस हुए हैं बायोलॉजी में और उसके इन्वेंटर्स कौन कौन हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिसीजेज एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, किस किस से जैसे जो डिसीजेज होती हैं और क्या उनका मतलब मेन जो कॉज है वो क्या है, बैक्टीरिया से हो रही है वो डिसीज़, वायरस से हो रही है, प्रोटोजो से हो रही है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है जैसे कि बायोलॉजी में था वैसे ही सेम है आपको, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स फिजिक्स में भी पढ़ने हैं, SI यूनिट्स पढ़ने हैं, साउंड, मोशन, लाइट, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स का ज़्यादा वास्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है फिजिक्स का भी। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, इसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लास्ट पोर्शन जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें से हर बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जा चुकी हैं JKSSB द्वारा, तो ये भी आपको पोर्शन अच्छे से करना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आपका क्या आपको सिलेबस है आपका JKSSB का, आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है और मल्टी इन्फोटेक सॉल्यूशन अब आपको ये रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराएगा, आपको वीडियोस के थ्रू अपने एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा वो अच्छे से आपको समझाएगा, आपको टॉपिक वाइज आपका ये सारा सिलेबस कवर कराएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मल्टी इन्फोटेक की इस एजुकेशन फॉर ऑल जो मोटो है उसके बारे में पता लगे और सभी को इससे बेनिफिट हो। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन अच्छा रहे।